भिंडी दो प्याजा कितना अच्छा बना है। और ये मेरे पराठे मैंने बनाए हैं, ऑफ कोर्स मेरे हाथों में जादू है। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पूजा फिर से अपने फिंगर्स चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज बहुत लेट हो गया है, मैंने सुबह का नाश्ता अभी तक नहीं बनाया है, तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी दिखा देती हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी। भिंडी बना रही हूँ पर भिंडी का कुछ अलग रेसिपी बना रही हूँ। भिंडी दो प्याजा, पनीर दो प्याजा खाए होंगे, बहुत सारा प्याजा खाए होंगे, लेकिन आज मैं भिंडी दो प्याजा बनाने जा रही हूँ। तो ऐसे ऐसे टुकड़ों में काट दीजिए, ये देखिए सबसे छोटी सी भिंडी, इसके सिर्फ 2 इंच टुकड़े हो सकते हैं। ऐसे ऐसे करके काट लीजिए। आप लोगों को भिंडी पसंद है कि नहीं? मुझे भिंडी बहुत ज्यादा पसंद है और भिंडी दो प्याजा तो मुझे बहुत पसंद है। सारे भिंडी को मैं ऐसे काट लूंगी। इसे पराठे के साथ खाइए या रोटी के साथ खा सकते हैं, दोनों के साथ बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी पराठा बनाऊंगी। और मैं बताती हूँ, पहली बार जब मैंने भिंडी बनाया था ना, तो मैं भिंडी काट के उसको धोई थी, और उसके बाद जब मैंने कढ़ाई में डाला तो वो पूरा अजीब सा हो गया था, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत गंदा हो गया था। फिर मैंने फोन किया मम्मी के पास, ये भिंडी मेरा ऐसा कैसे हो गया? तो बोली कि तुम भिंडी काट के धोई थी क्या? तुम बोले हाँ। इसी वजह से हो गया, इसलिए आप लोग ऐसा गलती ना करें, पहले भिंडी को धो लें उसके बाद काटें। अभी प्याज है, इसको ऐसे से काटना है एकदम महीन महीन। और प्याज दो प्याजा का मतलब ही होता है दो तरीके का प्याज, एक तो ऐसे महीन महीन कटाता है और एक इस तरीके के टुकड़ों में कटाता है। पनीर दो प्याजा हो या भिंडी दो प्याजा हो, दो प्याजा मतलब क्या होता है? दो तरीके का प्याज, दो टाइप के कटे हुए प्याज, इसी को दो प्याजा बोलते हैं। आप किसी भी चीज का दो प्याजा बना सकते हैं। इस तरीके से मैं प्याज काट लूंगा। चलिए मैंने सब काट लिया, देखिए भिंडी काटी, टमाटर, और ये दो दो चार टमाटर मैंने सजावटी के लिए काटा है। ये प्याज ऐसे काटा है, थोड़ा सा मैंने शिमला मिर्च काटा है, ऐसे प्याज, बस दो प्याज आए तो दो तरीके का प्याज। चलिए अब हम बनाते हैं। सबसे पहले मैं गैस ऑफ करूंगी। इतनी सी तेल बचा है मेरे पास। और थोड़ा सा कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो मैं उसमें डालूंगी सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, दम थोड़ा सा, अभी दम थोड़ा सा डालना है, बस भिंडी को हल्का सा फ्राई करके निकालना है, थोड़ा ये गर्म हो जाए। यार इसमें पानी था, अभी पड़ेगा बहुत जोर से, देखिए कैसे पड़ रहा है, इसलिए मैं भाग गई। इसमें पानी था कढ़ाई में। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कढ़ाई में पानी था। मैं ऐसे उल्टी पुल्टी हरकत करते रहती हूँ खाना बनाते वक्त। अरे यार चुप चुप। तो हम इसे कढ़ाई में भिंडी डालेंगे, भिंडी डाल दूंगी।
ऐसे थोड़ा सा फ्राई करके निकाल दूंगी, ज्यादा नहीं फ्राई करना बस थोड़ा सा फ्राई करना है, हल्का सा मैं नमक डाल देती हूँ। थोड़ा सा उसको फ्राई कर दूंगी, हल्का लाल हो जाएगा फिर मैं निकालूंगी इसे। तो खीर खाओगे आप लोग? मैंने रात में खीर बनाया था। ये मैंने रात में खीर बनाया था। ये अगर रात में खीर बनाओ तो सुबह खाओगे तो और टेस्टी लगेगा, बहुत ज्यादा टेस्टी बन रहा था रात में, मजा आ गया था खाने में। ऐसे मेरा आदत है जब हम खाना बनाते रहते हैं तो कुछ ना कुछ खाते भी रहते हैं, इस वजह से जब हम खाना बना लेते तो वो खाना वो खाना खाने के लिए जगह ही नहीं बचता, फिर हमको थोड़ा वेस्ट करके खाना पड़ता है। अब भिंडी हल्का फ्राई हो गया है, हम उसे निकाल लेंगे। ये मैंने इसलिए फ्राई किया था तब आप जब आप ग्रेवी में वो मसाले में डालेंगे तो भिंडी टूटेगा नहीं। अब इसमें एकदम जरा सा दो चार बूंद तेल डाल के मैं इस प्याज को डाल दूंगी, बस ट्रांसपेरेंट करके निकालना है इसको, और थोड़ा सा शिमला मिर्च भी डाल दूंगी, बस इसको बस ट्रांसपेरेंट करना है और इसको बस निकालना है बस दो मिनट। इसे मैं बस दो मिनट निकाल दूंगी। और ये मैं अदरक लहसुन भूल गई थी इसलिए मैं इसे कूट लूंगी थोड़ा, सॉरी यार मेरे पास उतना उतना नहीं रखती हूँ मैं काम चलाओ वाला काम करती हूँ इसीलिए मैं कूट लूंगी। तब तक एक काम करते हैं, तब तक मैं ऑयल डालूंगी। देखिए आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा तेल डाल रहे हैं लेकिन तब हम थोड़ा 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 तेल डाल रहे हैं। उसके बाद मैं इसमें पहले डालूंगी एक सेकंड, थोड़ा सा मैं डालूंगी अजवाइन, ये अजवाइन क्योंकि भिंडी में अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अजवाइन डाल दी, थोड़ा सा हरा मिर्च, पनीर मर जाएंगे थोड़ी, मैं आपको क्यों अजमेंगे बोल रही हूँ, इसमें प्याज जो मैंने महीन महीन प्याज काटा था ना वो डाल दूंगी, और इसको मैं डाल दूंगी और इसको फिर देता हूँ तब तक मैं अपना अदरक लहसुन कूट लूंगी। तो चलिए अब मैं मसाले ऐड करती हूँ। यार मेरे चम्मच कहाँ गए? हमेशा का मेरा यही होता है चम्मच, ये देखिए मैंने कहा चम्मच छुपा के रखा है। तो मैं इसमें ऐड करूंगी एक चम्मच हल्दी, ज्यादा मत कीजिए, और एक चम्मच तेज मिर्च पाउडर,
एक चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा चिकन मसाला, क्योंकि मेरे पास ज्यादा मसाला नहीं है, और ये मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करती हूँ। और फिर ये सारे मसालों को मैं चला दूंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे मैगी मसाला बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं थोड़ा सा मैगी मसाला डालूंगी। आप बाद में डाल दें या पहले भी डाल सकते हैं, मैं भी डाल दूंगी। और ये मसाला जो मैं भून लूंगी थोड़ा सा, उसके बाद हल्का सा पानी डाल दूंगी। ये मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। बस लगभग ये मसाला जब भून जाएंगे तो मैं भिंडी डाल दूंगी। भिंडी के बाद थोड़ा सा पकने के बाद मैं प्याज और ये शिमला मिर्च और डाल दूंगी। बस हो जाएगा। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट, थोड़ा सा इसमें टमाटो केचप भी जाएगा। बट अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा सा ये मसाला और जो मसाला और तेल है, क्या होते हैं मुझे रेसिपी बताना नहीं आता, सॉरी, वो मसाला और तेल वो छोड़ देंगे, मतलब कढ़ाई में वो दिखने लगेंगे तो उसे पता चल जाएगा कि मेरा मसाला पक चुका है। उसके बाद मैं इसमें भिंडी ऐड कर दूंगी। ये हमारा मसाला अच्छी तरीके से भून गया है और देखिए तेल भी सेपरेट हो गया है। तो अब मैं ऐड करूंगी इसमें भिंडी और प्याज दो। चल दोनों मसाले में जाओ। चला गया। तो चलिए इस दोनों को मैं मिला लूंगी अच्छे से मिक्स। यार कितना अच्छा खुशबू आ रहा है, बहुत बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, मजा आ रहा है। और मैं जैसा कि मैं बताई थी, इसका मेन इंग्रेडिएंट टमाटो केचप है। हाँ, और ये टमाटर मैं दो चार ऐसे दिखने के लिए, बस अच्छा दिखने के लिए डाल दिए। ये दिखे अच्छा, देखो यार कितना खूबसूरत दिख रहा है मेरा भिंडी। ऐसे मैं थोड़ा सा टमाटो केचप ऐड करूंगी टैंगी टेस्ट लाने के लिए। और इस टमाटो केचप को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट है भिंडी दो प्याजा का। बहुत इससे बहुत टेस्टी आएगा, टैंगी टेस्ट आएगा। तो ये बस अब ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, ऑलमोस्ट ये रेडी है। थोड़ा सा मैगी मसाला और थोड़ा सा मैगी मसाला में आगे और ऐड कर दिया। अब ये ऑलमोस्ट रेडी है, मैं पराठे बनाऊंगी और पराठे के साथ मैं खाऊंगी। बस ये 5 मिनट में रेडी हो गया, इसको बस 5 मिनट में ढक देती हूँ। 5 मिनट में मेरा भिंडी दो प्याजा रेडी और खाने को तैयार। तो चलिए मैं पराठे के लिए आटा खा लेती हूँ। और ये मैं आटा गूंथ रही हूँ पराठे रेडी करने के लिए। बहुत टेस्टी है, मुझे आदत है, मैं खाने को सुनती बहुत ज्यादा हूँ। यार बहुत टेस्टी, क्या मेरे हाथों में जादू है। वाओ देखिए कितना टेस्टी बना है। तो चलिए अभी रेडी हो गया, इसे मैं धनिया पत्ता डाल देती हूँ और गैस को ऑफ कर देंगे। इसे मैं पेड़े बना लूंगी पराठा बनाने के लिए छोटे छोटे। आज आप लोग भी बताइए, आज आप लोगों की नाश्ते में क्या क्या बनाए हैं। और ये मैं पेड़े बना के रखूंगी। थोड़ा सा इसमें तेल लगाएंगे, फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, उसके बाद फिर से इसको आटे में डिप करेंगे, सूखे आटे में, फिर इसे बेलूंगी।
और देखिए कितना अच्छा बना रहा सही से लग रहा है ये नहीं परफेक्ट है परफेक्ट है। अपना दही को कभी खट्टा नहीं बोलता। और ये इसलिए ऐसे हो गया क्योंकि मैंने भिंडी दो प्याजा वाले हैं छोलनी यूज किया है इसलिए। और रिफाइन लगाए थोड़ा थोड़ा और ये मेरे पराठे रेडी। तो ये मेरा टेस्टी टेस्टी नाश्ता रेडी हो गया। देखिए भिंडी का भिंडी दो प्याजा कितना अच्छा बना है। और ये मेरे पराठे मैंने बनाए हैं ऑफ कोर्स मेरे हाथों में जादू है। तो चलिए मैं टेस्ट करती हूँ कि बना कैसा। बहुत अच्छा अच्छा हवा चल रहा है इसलिए मैं खिड़की के पास ही बैठती हूँ। बहुत अच्छा हवा। तो ये रहा मेरे नहीं पहले आप लोग खाइए। चलिए ये रहा मेरे मुंह में। Amazing. इसमें टमाटो सॉस का जो टेस्ट आता है ना बहुत शानदार बहुत टेस्टी बनाया। आप लोग भी बनाइए और खाइए और लोगों को खिलाइए। बावरी बटोरिए और इंजॉय कीजिए। लॉकडाउन है घर में रहिए सेफ रहिए और मेरी तरह भिंडी दो प्याजा और पराठे का नाश्ता कीजिए। तो बाय फ्रेंड्स मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।